सरसों खरीद का सातवां दिन है और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल खुद जायजा लेने आए हैं मंडी का। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है कि क्या क्या उन्होंने देखा और किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, क्या क्या जायजा लिया आपने, क्या निर्देश दिए गए? देखो, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी किसानों के प्रति बहुत ही जागरूक हैं और वो चाहते हैं कि किसान को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, और उसी को देखते हुए हमने भी मंडियों का दौरा शुरू किया ताकि किसानों को कोई प्रॉब्लम ना हो, सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो, मास्क की कोई प्रॉब्लम ना हो, और उनको तुलाई वगैरह में या किसी तरह की मंडी में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के जरिए हम आज यहाँ आए थे और आज हमने मंडी में देखा कि सभी किसानों से हमने बात की तो उनको कोई परेशानी नहीं है, वो भी सेटिस्फाइड हैं। और हमने टोल का भी देखा, टोल का कांटा भी इनका ठीक है। हमने मॉइस्चर भी चेक किया तो इनका जो मॉइस्चर के लिए मीटर है उसमें भी ठीक आ रहा है, तो मेरे को लगा कि यहाँ कोई परेशानी नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा फॉलो हो रहा है मंडी में, आप जब देख रहे हैं जगह जगह? हाँ बिल्कुल, आपने भी देखा होगा दूर दूर ढेरियाँ लगी हुई हैं, सभी ने मास्क भी लगा रखे हैं और दूर दूर लोग खड़े हैं और जो किसान है वही आ रहा है, फालतू लोग नहीं आए। कुल मिलाकर यह है कि अनाज मंडी में किसी भी तरह की किसानों को दिक्कत ना हो उसको लेकर उचित इंतजाम किए गए हैं, कोई खामियां ना रहे इसके लेकर लगातार कृषि मंत्री भी पिछले दिनों दौरा करके गए थे और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भी दौरा किया है। रेवाड़ी से पवन कुमार।